नया शो में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गुलविश। इस शो में आप रोज देखते हैं देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरें। तो श्रेष्ठ भारत प्लेटफॉर्म पर तेज रफ्तार से शुरू करते हैं द श्रेष्ठ भारत शो। लोकसभा चुनाव से पहले हरियाणा में बीजेपी ने मुख्यमंत्री बदल दिया है। हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष कुरुक्षेत्र से बीजेपी सांसद नायब सिंह हरियाणा के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। हरियाणा में अचानक बड़ा सियासी उलटफेर हुआ है। सुबह सीएम मनोहर लाल खट्टर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, उनके साथ सभी मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया। 2014 में बीजेपी ने खट्टर को मुख्यमंत्री बनाया था, उसके बाद 2019 में फिर सीएम बना दिया। मनोहर लाल खट्टर की जगह अब नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया है। नायब सिंह सैनी हरियाणा के बड़े ओबीसी नेता हैं। हरियाणा में बीजेपी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने सीएम ही बदल दिया है। जननायक जनता पार्टी यानी जेजेपी के दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम थे। ताजा घटनाक्रम से उन्हें सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। दुष्यंत चौटाला भी सरकार से अलग हो गए हैं। जेजेपी के हरियाणा में 10 विधायक हैं, जिनमें से कई के बीजेपी के संपर्क में थे। हरियाणा के सीएम की रेस में कुरुक्षेत्र के सांसद और हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष नायब सिंह सैनी और हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का नाम सबसे आगे चल रहा था। इसके अलावा खट्टर के करीबी संजय भाटिया का नाम भी सीएम की रेस में लिया जा रहा था, लेकिन नायब सिंह सैनी को सीएम की कुर्सी मिली है। हरियाणा की इस उठापटक में सबसे ज्यादा नुकसान दुष्यंत चौटाला को हुआ है। उन्हें बीजेपी ने बड़ा झटका दिया है। अब दुष्यंत चौटाला सरकार से बाहर हो गए हैं। अब उनकी पार्टी में टूट की अटकलें लगाई जा रही हैं। पंजाब में चल रहे किसान आंदोलन के बाद पड़ोसी राज्य हरियाणा की इस उठापटक के पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं, जिसमें खट्टर सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी और किसानों की नाराजगी भी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात से देश को 85,000 करोड़ से ज्यादा की रेल परियोजनाओं की सौगात दी है। प्रधानमंत्री ने मंगलवार को 10 नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है। अब वंदे भारत की कुल संख्या 50 से अधिक हो गई है। अब दिल्ली कटरा, दिल्ली वाराणसी, मुंबई अहमदाबाद, मैसूरू चेन्नई समेत 6 रूट पर 2 वंदे भारत ट्रेनें चलेंगी। इस समय देश में 41 वंदे भारत एक्सप्रेस चलती हैं, लेकिन आज के ऐलान के बाद इनकी संख्या 50 से ज्यादा हो गई है। अहमदाबाद में वर्चुअल तरीके से प्रधानमंत्री ने नई वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। प्रधानमंत्री ने डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर पर कई मालगाड़ियों को भी हरी झंडी दिखाई है। इस कार्यक्रम के जरिए प्रधानमंत्री ने देश को 85,000 करोड़ से ज्यादा की रेल परियोजनाओं की सौगात भी दी है। फर्क साफ है, 2004 से 2014 शून्य किलोमीटर, जीरो किलोमीटर, 2014 से 2024 2,500 किलोमीटर से ज्यादा। आज प्रतिदिन 300 से अधिक गाड़ियां इस फ्रेट कॉरिडोर पे चल रही है और उसका लाभ पूरे देश को मिल रहा है। उत्तर भारत के सभी राज्य, चाहे पंजाब हो, हरियाणा हो, जम्मू कश्मीर हो, हिमाचल हो, उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, इन सबको आज, राजस्थान हो, इन सबको आज पश्चिमी तट के सी पोर्ट से, समुद्री बंदरगाहों से सीमलेस कनेक्टिविटी मिली है। विकसित भारत की कल्पना में टेक्नोलॉजी का बड़ा महत्व है। मैं दूसरा उदाहरण दूंगा, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के इस ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर में आधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग हुआ है। भविष्य की रेलवे की झलक इस फ्रेट कॉरिडोर के कंट्रोल सेंटर में दिखाई देती है। बीजेपी और कांग्रेस की आज दूसरी लिस्ट आ सकती है। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों की दूसरी सूची लगभग तैयार कर ली गई है। पार्टी की ओर से इसे जल्द ही जारी भी किया जा सकता है। कुछ राज्यों में गठजोड़ को लेकर चल रहे विवाद की वजह से दूसरी लिस्ट आने में देरी हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में सोमवार को बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई, जिसमें 8 राज्यों की 100 से अधिक सीटों पर चर्चा की गई। इस दौरान मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, बिहार, हिमाचल और चंडीगढ़ आदि की सीटों पर विचार विमर्श किया गया।
बिहार, ओडिशा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में फिलहाल गठबंधन की तस्वीर पूरी तरह से साफ नहीं होने के चलते इन राज्यों में कैंडिडेट्स को टिकट दिए जाने में थोड़ी देरी हो रही है। बीजेपी की पहले लिस्ट में 16 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से 195 नामों का ऐलान है, जिसमें यूपी के 51 और मध्य प्रदेश के 24 उम्मीदवार शामिल हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी के बाद अब कांग्रेस भी अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान जल्द कर सकती है। कांग्रेस की चुनाव समिति ने दूसरी सूची के लिए 40 नाम फाइनल कर लिए हैं, जिनमें मध्य प्रदेश की 18 सीटों के उम्मीदवारों के नाम भी हैं। इस लिस्ट में छिंदवाड़ा से मौजूदा सांसद नकुल नाथ का नाम तय माना जा रहा है। कांग्रेस के दिग्गज नेता कमलनाथ ने साफ कर दिया है कि उनका परिवार छिंदवाड़ा सीट किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ने जा रहा। पहले चर्चा चल रही थी कि नकुल नाथ को कांग्रेस जबलपुर या किसी और सीट से चुनाव लड़ा सकती है, लेकिन कमलनाथ ने इन अटकलों को खारिज कर दिया है। देश भर में CAA लागू होने के साथ ही इसका विरोध भी शुरू हो चुका है। असम और पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा शरणार्थी ही रहते हैं। असम में 16 पार्टियों के गठबंधन ने असम बंद बुलाया है, जिसका राज्य के ज्यादातर हिस्सों में असर देखा जा रहा है। असम के गुवाहाटी समेत ज्यादातर इलाकों में सुबह से बाजार बंद हैं, सड़कों पर सन्नाटा छाया हुआ है, प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। असम की हिमंता बिस्व सरकार ने चेतावनी दी है कि कानून तोड़ने वालों के साथ सख्ती की जाएगी। हड़ताल के लिए आह्वान करने वाले संगठनों को पुलिस ने चेतावनी दे दी है। गुवाहाटी पुलिस के उन संगठनों को कानूनी नोटिस भेजा है जिन्होंने CAA के विरोध में असम में हड़ताल का आह्वान किया है। असम पुलिस ने आंदोलनकारियों को चेतावनी देते हुए कहा है कि हड़ताल के कारण रेलवे और नेशनल हाईवे संपत्तियों को कोई नुकसान हुआ तो उन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नोटिस में ये भी कहा गया है कि सार्वजनिक और निजी संपत्तियों को नुकसान की कुल लागत आपसे और आपके संगठन से वसूली जाएगी। मध्य प्रदेश समेत देश के 5 राज्यों में आज NIA ने छापे मारे। 5 राज्यों के 30 से ज्यादा ठिकानों पर छापे मारे गए हैं। मध्य प्रदेश में बड़वानी और खंडवा में NIA की छापेमारी हुई है। NIA ने कई लोगों को हिरासत में भी लिया है। बड़वानी और खंडवा के अलावा बुरहानपुर में NIA की कार्रवाई हुई। बड़वानी अवैध हथियारों का गढ़ माना जाता है और यहां से खालिस्तानी गैंगस्टर्स को हथियार पहुंचाए गए थे। छापेमारी के दौरान गैंगस्टर्स और आतंकियों के बीच मिलीभगत की जांच भी की जा रही है। इस सिलसिले में NIA की टीम बड़वानी, खंडवा और बुरहानपुर में डेरा डाले हुए है। भोपाल से भी एक शख्स को हिरासत में लिए जाने की खबर है। मध्य प्रदेश के अलावा राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और पंजाब में भी NIA की छापेमारी हुई है। तो ये थी श्रेष्ठ भारत में आज की सभी बड़ी खबरें। ऐसी ही खबरों के साथ कल फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत और इस तरह की खबरों के लिए हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।